Hi guys, wish you very very good morning. This is me Aish Joshi and you are watching me on the channel of Achivaya. So here it is 5th of October 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. तो सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई है जिनका कल का पेपर बहुत अच्छा हुआ है 4th ऑफ अक्टूबर का, और उन सभी के लिए एक मोटिवेशन है. जिनका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि आपको पैटर्न पता चल गया, तरीका पता चल गया. और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, सेपरेटली कल के पेपर को एनालाइज़ करके पैटर्न जिस तरीके से यूपीएससी चेंज कर रहा है, जो चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, जो फैक्ट्स कैरी कर रहा है, उस पर बेस्ड एक वीडियो हम आपके साथ में आज के डेट में शेयर करने वाले हैं. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड डू वॉच दैट वीडियो, जिससे कि आपको 2021 में हेल्प मिल सके, आप 2021 में ईजीली यूपीएससी को क्रैक कर सकें. Okay, so don't forget to go through it and let's take today's the Hindu news analysis. 1 in 5 Indians may be vaccinated by July 2021. Government का कहना है कि July 2021 तक की बात करें तो एटलीस्ट हर 5 में से एक व्यक्ति जो है वैक्सीनेटेड होगा. स्टेट्स टोल्ड टू प्रिपेयर प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी. जिन लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, जिन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए COVID-19 के लिए जो वैक्सीन है उसका, तो उन लोगों का एक प्रॉपर जो है आप डेटा रेडी कीजिए, ऐसा कहना है हेल्थ मिनिस्टर वर्धन का स्टेट गवर्नमेंट से. ओके, नाउ द गवर्नमेंट ऑन संडे इंडिकेटेड अबाउट 25 crore individuals are likely to be inoculated with a double dose of the COVID-19 vaccine by next July. Okay, so the states have been asked to prepare a list by month end of priority population group. Priority population group ka month end tak aap ek data prepare kijiye, list prepare kijiye jinko vaccination ke jo hai list mein rakhna hai. These would include frontline health workers, both government as well as प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स. सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सेज, सैनिटरी स्टाफ, आशा वर्कर्स, सर्विलेंस ऑफिसर्स, इन सभी को रखा जाएगा जो कि प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे. ठीक है, और उसके बाद में जिन लोगों का टेस्ट हुआ है पॉजिटिव, जिन लोगों का आया है, उन लोगों का जिनका ट्रीटमेंट चला है, उन सभी लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाएगा. उसके बाद में उन लोगों को रखा जाएगा जो कि जिनके आने की संभावना है या जो आएंगे. बट प्रायोरिटी लिस्ट में सारा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, सभी उन लोगों को रखा जाएगा जो ऑलरेडी इतने लंबे स्ट्रगल से बाहर आए हैं, या हम कह सकते हैं इवन अभी भी कर रहे हैं, बाहर तो क्या है, अभी भी कर रहे हैं, और उन सभी लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिन लोगों को COVID-19 ने घेर रखा है. ठीक है, एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ गुड थिंग, एंड इवन उन्हीं को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए जो खुद की जान पर खेल कर दूसरों की जान बचा रहे हैं. तो हमारी प्रायोरिटी उन लोगों की जान बचाना भी होना चाहिए. ठीक है, फिनमिन सेड दैट वायरस पास पीक्स प्रेडिक्ट ग्रोथ. इंडियाज COVID-19 इन्फेक्शन में हैव ऑलरेडी पीक्ड लास्ट मंथ. COVID-19 का इन्फेक्शन जो है वो ऑलरेडी लास्ट मंथ पीक पे था. अब इस स्टेज को सेटअप करने के लिए फर्दर पुशअप जो है फ्रंटलाइन इकोनॉमिक रिकवरी के चल रहा है, ऐसा कहना है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का संडे को. लिस्टिंग सेवरल इंडिकेटर्स फ्रॉम सेप्टेम्बर दैट अल्यूड टू अ स्टडी रिकवरी अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स इन इकोनॉमिक डिविजन्स के बेसिस पर. सभी सेक्टर्स के डेवलपमेंट के बेसिस पर फिनेंस मिनिस्ट्री ने अपने पूरे प्रयासों के बाद में फाइनली दे थिंक लाइक अगर जो है COVID-19 का वैक्सीन मिल जाता है और उसके बेसिस पर वर्क होता है तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी फिर से ग्रो अप करने लगेगी. ओके, एंड इट विल डेफिनेटली बी वर्क्ड. द नेक्स्ट इज इंडिया चाइना टॉक्स ऑन अक्टूबर 12 को इंडिया चाइना का टॉक्स जो है डिसाइड हुई है, बातचीत होगी, वार्तालाप होगी. इंडिया एंड चाइना आर शेड्यूल टू होल्ड 7th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स टू वर्क आउट मेजर्स फॉर डिस एंगेजमेंट एंड डी एस्केलेशन. इन दोनों प्रोसेस के लिए हम कह सकते हैं डी एंगेजमेंट, डिस एंगेजमेंट या डी एस्केलेशन, दोनों मेजर्स के लिए जो है कमांडर लेवल की टॉक्स डिसाइड की गई है. 7th राउंड होगा ये इनकी बातचीत का. जो डिस्प्यूट्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं पहले गलवान क्षेत्र में और पोंसो लेक के अंदर, और अब फाइनली
लद्दाख क्षेत्र में। तो ये जो सारे डिस्प्यूट्स है इसके चलते जितनी मीटिंग्स हुई है, तो ये उन मीटिंग्स का 7th राउंड होगा। द टॉक्स आर शेड्यूल्ड ऑन अक्टूबर 12th। ये बातचीत जो है ये 12 अक्टूबर को डिसाइड की गई है, और इसके अंदर दोनों जो है कंट्रीज़ के, दोनों साइड्स के लेफ्टिनेंट जनरल्स जो है, इंडियन साइड के 2 लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, और डिफेंस सोर्स सेड, एक डिफेंस सोर्स का कहना है कि हमारे इंडिया की साइड से 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे, और वहीं पर भी काउंटर पार्ट होगा, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह एंड 14 कॉप्स के कमांडर है हरिंदर सिंह जी, इज सेट टू बी रिप्लेस बाय लेफ्टिनेंट जनरल पेजी के मेनन इन मिड अक्टूबर। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट लेट्स सी 12th अक्टूबर के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, बातचीत का क्या कंक्लूजन निकलता है, जिस तरह के डिस्प्यूट्स दोनों कंट्री के बीच में चल रहे हैं, तो इस तरह की, इस लेवल की टॉक का, कमांडर लेवल की टॉक का क्या रिजल्ट निकलता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। ओके, द नेक्स्ट इज लॉस्ट इन द बॉर्डर क्राइसिस पॉलिटिकल ओनरशिप। ओके, पहले हम क्या करते हैं, ये हथरस केस ले लेते हैं। अपर कास्ट ग्रुप होल्ड्स मीटिंग इन सपोर्ट ऑफ हथरस अक्यूज्ड। हथरस के अंदर जो अभी रिसेंट केस हुआ है, रेप केस, रेप होने के बाद में जो है दलित लड़की को गैंग रेप के बाद में उसका मर्डर कर दिया गया, मतलब उसके साथ में बहुत कुछ गलत किया गया, तो उन सब चीज़ों के बेसिस पर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है यूपी में, अपर और लोअर क्लास के बीच में। काफ़ी लोअर क्लास लोगों को लग रहा है, दलित कैटेगरी के लोगों को लग रहा है कि अपर क्लास जो है वो इस पर वर्क नहीं करना चाह रहे, और एक्चुअली जिन लोगों ने गैंग रेप किया है वो लोग भी अपर क्लास कैटेगरी के हैं। तो अल्टीमेटली पॉसिबल है डिस्प्यूट होना, और बिल्कुल पॉसिबल है इस तरह की चीज़ होना कि किसी भी तरीके से। अच्छा, उसके बाद में जब वो अपर क्लास के लोग होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं की गई, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर ले लीजिए, चाहे पुलिस लेवल पर ले लीजिए, चाहे आमजन के आधार पर ले लीजिए, इसी बेसिस पर जो है लोअर क्लास या दलित कैटेगरी के लोगों ने इस बात को उठाने की, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है कि अपर और लोअर क्लास की कैटेगरी का जो डिफरेंस यूपी के अंदर क्रिएट हो रहा है, इसे कम किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में हम लोगों ने जैसा इस समय गैंग रेप और ये सारी चीज़ों को हैंडल किया है, वो आगे ना कर सके हम लोग, है ना। पुलिस लाठीचार्ज हुआ है आरएलडी लीडर जयंत चौधरी और वर्कर्स पर। संडे सॉ लार्ज गैदरिंग इन अपर क्लास मैन इन हथरस। हथरस के अंदर जो दलित लड़की जिसके साथ गैंगरेप हुआ और बाकी सारी और भी उसका मर्डर कर दिया गया, तो उस बेसिस पर सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई, और उसके अगेंस्ट लार्ज गैदरिंग देखी गई दलित लोगों की, लोअर कैटेगरी के लोगों की, लोअर क्लास लोगों की, क्योंकि उनका ये कहना है कि अपर क्लास कैटेगरी, और ये जो उनकी जो गैदरिंग थी, ये उनका जो पूरा उनकी जो जंग थी वो अपर क्लास लोगों के अगेंस्ट थी। पुलिस लाठीचार्ज, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाइस प्रेसिडेंट जयंत चौधरी पर भी लाठीचार्ज किया गया, एंड हिज एसोसिएट्स, जो भी उनके एसोसिएट्स थे वो भी इस लाठीचार्ज की चपेट में आए। हु आर ऑन देयर वे टू मीट द फैमिली ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम की फैमिली से मिलने जा रहे थे, पूरे गैदरिंग के साथ में ये सभी लोग विक्टिम की फैमिली से मिलने जा रहे थे, और उसी समय इन पर लाठीचार्ज करके इन्हें शांत करने की कोशिश की गई, वहीं रोकने की कोशिश की गई। द एरोगेंट योगी गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू सप्रेस दी अपोजिशन वॉइस थ्रू पुलिस लाठीज, ये आरएलडी लीडर का कहना है कि ये जो एरोगेंट योगी जी हैं वो गवर्नमेंट को पूरी तरह, गवर्नमेंट योगी सरकार जो है वो बेसिकली हम लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, अपोजिशन को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है लाठी चार्ज के थ्रू। ठीक है, शेयरिंग विजुअल्स ऑफ द सडन पुलिस लाठीचार्ज ऑन मिस्टर चौधरी एंड हिज टीम इवन एज ही वॉज टॉकिंग टू द मीडिया, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, काफ़ी नॉर्मल वे में सब कुछ चल रहा था, विक्टिम की फैमिली से मिलने जा रहे थे गैदरिंग में, तो उसी समय अचानक से लाठीचार्ज होना, तो उनको शॉक लगा इस बात का काफ़ी, और उनको इस बात से ये अंदाज़ा उन्होंने ज़रूर लगाया कि ये जो चीज़ें हो रही है इसके थ्रू गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमें जो है सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली ये जो सारी कंडीशंस यहाँ दिखाई दे रही है, जो सारी सिचुएशंस हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इससे ये शो होता है कि अपर और लोअर क्लास कैटेगरी के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है यूपी के अंदर, वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और इंडिया के अंदर इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपको एक छोटी सी बात मिलनी चाहिए और आप उसे ज़रूर, हालांकि रेप केस होना छोटी बात नहीं थी, लेकिन अपर क्लास लोअर क्लास की कैटेगरी में डिफरेंशिएट करके इस तरह का इशू क्रिएट होना अपने आप में, चाहे वो अपर क्लास ने किया है चाहे वो लोअर क्लास ने किया है, वो अपने आप में किसी भी लेवल पर सही नहीं है।
आई एम नॉट फ्रॉम एनी अपर और लोअर क्लास, आई एम अ ह्यूमन बींग, एंड बींग अ ह्यूमन आई कैन से दैट इट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग कि आप किसी भी गलत चीज़, गैंगरेप होना, मर्डर होना, ये बहुत गलत था. आप इसके खिलाफ जो करना है वो कीजिए, लेकिन अपर और लोअर क्लास कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए ना तो सरकार इस तरह के कदम उठाए और ना ही आम जन इस तरह की विचारों को जो है फैलाने की कोशिश करें. कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में फूट डालने का काम करता है. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. वहीं अच्छा, एक इसके अंदर एक ट्विस्ट और आया है जहाँ गैंगरेप और अदर चीज़ों की बात की जा रही है. वहीं पे हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में किसी भी लेवल पे कोई भी इंटरकोर्स को बताया नहीं गया है. हॉस्पिटल का ये कहना है, रिपोर्ट्स का ये कहना है कि किसी भी तरीके का कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ है. मतलब किसी भी तरीके का पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अदर रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो गर्ल है उसके साथ में किसी तरीके का कोई इंटरकोर्स या कोई अदर जो एक्टिविटी है रेप के बेसिस पे वो नहीं हुई है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. क्या क्या रिपोर्ट आती है, क्या चीज़ें सामने आती है, वो सारी चीज़ें बाद में पता चलेगी. द नेक्स्ट इज़ अनटिल वैक्सीन अनलॉक मूव शुड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एज द इकोनॉमी शिफ्ट गियर. इकोनॉमी जब शिफ्ट करना के लिए गियर अप कर चुकी है उस कंडीशन में अनलॉक मूव्स शुड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल. जो वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल एरिया है, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी अनलॉक के प्रोसीजर से. ठीक है, इंडियाज़ फिफ्थ राउंड ऑफ अनलॉक रेगुलेशन फॉर अक्टूबर अलाउिंग द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एक्टिविटी. मैं आपको बता दूँ, पाँचवा राउंड जो है अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और फिफ्थ राउंड ऑफ अनलॉक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अनलॉक करता है, एक्सपांड करता है, जैसे कि एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ट्रांसमिशन बहुत इजीली होगा इन सारी चीज़ों के ओपन होने से, और इन सारी चीज़ों के ओपन हो जाने से काफ़ी सिटीज़ में ये सब चीज़ें जहाँ ओपन हो गई है तो ट्रांसमिशन अभी भी बहुत हाई लेवल पर बढ़ रहा है. तो आप सोचिए आने वाले समय में इस तरीके से अगर बढ़ता, इस तरीके से अगर ओपन हुई चीज़ें तो किस लेवल पर ये जो केसेस है वो बढ़ेंगे. ओके, नाउ नेशनली दो द न्यू इन्फेक्शंस बीइंग एडेड एवरी डे. हर दिन नए इन्फेक्शंस आ रहे हैं, करीब 60,000 प्लस केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं. रिसेंटली 60,000 केसेस आए हैं एज पर जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर डेटा. डिक्लाइन इन रिसेंट डेज अभी एज ऑफ नाउ रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, डिक्लाइन देखा गया है रिसेंट डेज के अंदर जो है केसेस के अंदर डिक्लाइन देखा गया, बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो हमारे नेशन में कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. द स्ट्रिंजेंट मार्च अप्रैल लॉकडाउन, दी सब्सिक्वेंट मेजर्स ऑफ अनलॉक, इकोनॉमी काफ़ी लोअर लेवल पर चली गई और लोअर लेवल पर जाने का रीज़न था कंटिन्यूस लॉकडाउन, और उसके बाद में अनलॉक की प्रक्रिया में भी काफ़ी चीज़ों का इस तरीके से देखिए अल्टीमेटली हमें चीज़ें खोलनी पड़ रही है. अनलॉक के थ्रू वन बाय वन हम चीज़ों को ओपन कर रहे हैं. उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करना. इकोनॉमिक कंडीशन जो -24 में जा चुकी थी अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले, उस कंडीशन में हमें ऊपर लाने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए वी नीड टू ग्रो अप, वी नीड टू गो विथ इट. सो अल्टीमेटली we have to go through the vaccination procedure, unlock move should be continue, and but according to all these things we need to gear up the shifts and economy should be shifted, and but uske sath bhi hame ye dhyan rakhna hoga ki economy par work karte karte kahin aisa na ho ki hum cases ko is level par le jaye ki india ko uska bahut bada khamiyaza bhugatna pade. isliye hame jo hai security measures aur other jo hai details ko dhyan mein rakhte hue, other measurements ko dhyan mein रखते हुए सिचुएशंस और को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी होगी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे COVID-19 से रिलेटेड हो. ओके, या इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन बोथ दी थिंग्स इक्वली, बट अल्टीमेटली वी नीड टू गो विद इट. ओके, बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, सो वी नीड टू गो विद इट. वी हैव टू सिक्योर आर इकोनॉमिक कंडीशन एज वेल एज आर COVID-19 केसेस कंडीशंस. ओके, every effort to relieve the citizens fatigue over COVID-19 should be made, but the goal is to preserve health until a medical breakthrough is made.
जब तक कि आपको मेडिकली सिक्योर नहीं हो जाते, वैक्सीन आउट नहीं हो जाती, चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, तब तक हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है एंड इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर अस. ओके, द नेक्स्ट इज मिक्स्ड सिग्नल्स. द लेटेस्ट GST डेटा गिव कॉज फॉर होप ऑफ अ सस्टेनेबल मोमेंटम इन ग्रोथ. ग्रोथ में सस्टेनेबल मोमेंटम के बेसिस पर एक उम्मीद की किरण सामने नजर आ रही है लेटेस्ट GST डेटा के बेसिस पे. इन दीज पेंडेमिक हिट टाइम्स व्हेन मोस्ट इकोनॉमिक न्यूज हैज बीन ग्रिम, द लेटेस्ट GST डेटा गिव कॉज फॉर सम होप. हमें लेटेस्ट डेटा ने कुछ उम्मीद दी है, स्पेशली टू पॉलिसी मेकर्स के लिए पब्लिक फाइनेंस के बेसिस पर. एंड ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम GST स्केल्ड 6 month हाई, पिछले 6 महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पे 95,480 करोड़ रुपीज़ जो है सितंबर के अंदर क्रॉस कर चुका है, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे हाईएस्ट लेवल पे रहा है ना. सो अल्टीमेटली जहाँ पूरी तरीके से माइनस में जा चुके थे और डाउनवर्ड जा चुके थे, वो अब कहीं ना कहीं रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, सो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल के अंदर वो सारी चीज़ों को कवर किया है, जैसे जिन जिन चीज़ों से हमें जो है फ़ायदा हो रहा है इकोनॉमिक कंडीशन में. फिस्कल ईयर के बेसिस पे टैक्स रिसिप्ट एक्सीड कर गई है या जो ईयर अर्लियर पीरियड जो अगर हम बात करें उस समय में, है ना. सो क्लियरली विथ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैविंग बीन सिग्निफिकेंटली ईज्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपीयर्स टू हैव रिगेन्ड सम मोमेंटम as people strive to reclaim semblance of normality and business rush to restock inventory ahead of the peak consumption season in. देखिए basically festival market है, festivals हैं, नवरात्रि and then Deepavali is the main occasion of India, so Deepavali है, then Christmas है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आने वाले time में हमें दिखने वाली है, समझ में आने वाली है, और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं जिनके कारण शॉपिंग फेस्टिवल्स काफ़ी बढ़ गए हैं. उसी कंडीशन में अपनी जो फैक्ट्रीज हैं या हम कह सकते हैं बिजनेस है, वो अपने लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं कि वो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए स्टॉक को बढ़ाएं, और स्टॉक को बढ़ाते हुए मार्केट, फेस्टिवल मार्केट में अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करें आफ्टर अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ लॉसेज एट COVID-19. ओके, सो अल्टीमेटली मिक्स्ड सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं. जिस तरीके से मार्केट्स और सब कुछ बढ़ रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि हम लोग, हमारी इकोनॉमी अब ग्रो करेगी जिस तरीके से फैक्ट्रीज वर्क कर रही हैं, जिस तरीके से सारे के सारे सेक्शंस, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सेक्शंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अलावा काफ़ी सारे सेक्शंस जो है ओपन हो चुके हैं, बहुत सारा वर्क स्टार्ट हो चुका है. इन सारी चीज़ों पर अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट सिचुएशंस जो है कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकल सिचुएशंस नॉर्मल होती हुई या ग्रो करती हुई नज़र आ रही है. बट दिस इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ ह्यूज फैक्ट दैट अल्टीमेटली ये सिचुएशन कंट्रोल में आने के लिए हमें कई सारे केसेस सामने दिखाई देंगे, बहुत सारे केसेस बढ़ेंगे. ये सारी चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि COVID-19 को इस लेवल पे ले जाए कि हमें फिर से सारा शटडाउन करना पड़े और बहुत सारे केसेस सामने आ जाए जिससे कि हमें अदर सिचुएशंस को काफ़ी वर्स्ट लेवल पे ले जाना पड़े. ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं GST के बेसिस पे, काफ़ी डिस्कशन किया गया है इस पूरे डेटा के अंदर, इस पूरे आर्टिकल में GST को डिस्कस किया गया है. पास्ट क्या जो है अर्ली ईयर के अंदर क्या उसके डेटा थे, मिड ईयर में क्या थे, अभी क्या चल रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या उम्मीद है ईयर एंड में, तो ये सारी चीज़ें इस समय नज़र आ रही हैं. और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है हमें दिखाई दे रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं उसकी, और जिस तरह का डेटा हमें नज़र आया है लेटेस्ट GST डेटा, उसके बेसिस पे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में GST बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाला है, काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं हम लोग. बस बात इतनी सी है कि हमें कैसे केसेस को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाना है, ठीक है, और कैसे GST को इस तरीके से ले जाना है कि ये हमें ऐसा भी ना हो कि बहुत एक्सेस लेवल पे लॉस में चले जाएं हम लोग, ठीक है. तो एक आर्टिकल हमने बीच में छोड़ दिया था, यस, लॉस्ट इन द बॉर्डर क्राइसिस पॉलिटिकल ओनरशिप, यूजिंग द डिफेंस फोर्स एज अ शील्ड मे बी पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल फॉर द गवर्नमेंट बट इज़ डैमेजिंग ऑफ इंडिया. डिफेंस फोर्सेस को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करना पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार के लिए, हमारी मतलब सरकार के लिए तो फिर भी बेनिफिशियल है, या हम कह सकते हैं एक जो है प्रॉफिटेबल डेटा है,
प्रॉफिटेबल डील है डिफेंस को यूज़ करना शील्ड के तौर पे, लेकिन इंडिया को डैमेज करने के बराबर है। अक्टूबर 2017 जब इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वॉज द फॉरन सेक्रेटरी, ही अपियर्ड बिफोर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स टू डिपोज दी ऑन द 27 लॉन्ग डे लॉन्ग डोकलाम स्टैंड ऑफ। डोकलाम स्टैंड ऑफ का 73 डेज लॉन्ग जो डिपोज सिचुएशन चल रही थी, उसे डिपोज करने की डिमांड लेकर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाकर खड़े हो गए थे। इन टू सेपरेट डिपोजिशंस ही अंडरलाइन टू बी टू दी कमिटी ट्रायल्स, सॉरी ओके इट इज़ नॉट दैट मच क्लियर ओके, द इशू ऑन दी साइनो इंडिया भूटान बॉर्डर, साइनो इंडिया भूटान बॉर्डर पर जो इशू चल रहा था उसे अंडरलाइन करते हुए उन्होंने कमिटी डिपोजिशंस टू सेपरेट डिपोजिशंस की बात की, इज़ मोर ऑफ द अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर द स्टेटस को ऑन द ग्राउंड लेवल पे जो है यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करने का प्रयास किए गए थे, उस पर बातचीत की गई थी। इट इज़ द एस्पेक्ट दैट ट्रांसग्रेशन इनटू अ लार्जर डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इशू शिफ्टिंग द मैटर फ्रॉम द डोमेन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टू दैट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सो इट इज़ ऑल कवर्ड हेयर, आर्म्ड फोर्सेज एज अ कवर विल बी इज हेयर, की मैन मिक्सड सिग्नल्स इज हेयर एज वेल एज ऑन पब्लिक ओपिनियन, वॉट इज़ द पब्लिक ओपिनियन फॉर इट, लेट्स सी फॉर द पब्लिक ओपिनियन, हाउएवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन यूज़ पब्लिक ओपिनियन टू स्ट्रेंथन देयर हैंड्स ड्यूरिंग नेगोशिएशंस के समय, या फिर अदर जो है अवॉइड करती है चीज़ों को, कंसेशंस को, दूसरी पार्टीज के कंसेशन को अवॉइड करते हुए। पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक जो है उस बारे में क्या कहती है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पब्लिक ओपिनियन पर क्या व्यूज़ होते हैं, उसे किस तरीके से सरकार लेती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल डिस्कस्ड हेयर एंड नाउ वॉन्टेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, सो बेसिकली देखिए हमारा डिफेंस सोर्स जो है वो हमारी एक पावर है, हमारा स्ट्रेंथ है, और अगर हम उसे शील्ड के तौर पे काम ले रहे हैं, सिर्फ शील्ड के तौर पे, तो ये कहीं ना कहीं हमें खोखला कर रहा है, हमें इंडिया को डैमेज कर रहा है, क्योंकि हम अपने पब्लिक पॉलिटिकल प्रॉफिट्स के लिए इसे इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, हम इंडिया के जो स्ट्रक्चर है, इंडिया का डिफेंस स्ट्रक्चर है, उसे खोखला कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी नीड टू वर्क ऑन इट। बॉर्डर क्राइसिस में कहीं ना कहीं बेचारे जो सोल्जर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो जो डिफेंस आर्मी ऑफिशियल्स हैं, या जो बेचारे जो वो लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के सब कुछ वहाँ इतने दिनों से बैठे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, इन बॉर्डर क्राइसिस में कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं, और पॉलिटिकल ओनरशिप के बेसिस पर ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। तो अल्टीमेटली दे नीड टू कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड फॉर दैट वी नीड टू वर्क फॉर इट, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट द लॉस्ट इन बॉर्डर क्राइसिस, इट इज़ ऑल अबाउट द डिफेंस, इट इज़ ऑल अबाउट द डिफेंस फोर्सेज, एंड इट इज़ ऑल अबाउट देयर प्रोटेक्शन। वी नीड टू बी, और इंडिया नीड टू बी अ शील्ड फॉर दैम ओनली, बट हाउ वी कैन यूज दैम एज अ शील्ड, इट विल डेफिनेटली बी अ पॉलिटिकल प्रॉफिटेबल सेंस, बट डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ गुड थिंग और गुड इंडिकेटर ऑफ अ गुड इंडिया, इट इज़ डेफिनेटली डैमेजिंग आर इंडिया, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, ये आर्टिकल आप पढ़िए, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और इसके अलावा जो है, फियर इज़ अ रिएक्शन, करेज इज़ अ डिसीजन, फियर एक रिएक्शन है जबकि करेज जो है वो एक डिसीजन है, सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड डिसीजन, अपने बीच अपने जो आपकी सोच है, आपके जो विचार है, आपके जो डिसीजंस हैं, उनके और रिएक्शंस के बीच के फ़र्क को समझते हुए डिसीजन लेना सीखिए, ना कि रिएक्ट करना, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, और बी रेडी फॉर द एनालिसिस ऑफ यस्टरडेज एग्जाम पेपर, एंड द नेक्स्ट द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड विथ यू, एंड यू विल गेट इट बाय टुडे ओनली, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट वी कैन प्रोसीड आवर एफर्ट्स।